मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते बंद चल रहे निजी शैक्षणिक संस्थानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नर्सरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के संचालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शासन शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय नहीं लेती है तो 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि यह शैक्षणिक संस्थान से जुड़े 30 लाख परिवारों का सवाल है। आगे कहा कि मॉल, मंदिर, पिकनिक स्पॉट, बाजार, दुकानें और सिनेमा घर खुले रहे हैं तो स्कूल खोलने से डर कैसा। प्रदेश में 74,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के उद्योग को बढ़ावा देने के चक्कर में शासन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 15 दिसंबर को प्रदेश में प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन क्लास बंद कर देंगे। तो शासन से डिमांड है कि पहले तो 31 मार्च तक का जो डिसीजन ईयरली लेटर है उसको वापस लिया जाए और जो टाइम टू टाइम जैसे डिसीजन आए उनके हिसाब से चला जाए। नहीं मानती है सरकार या नहीं करती कि 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी संगठनों के जो फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, कॉलेज ओनर्स वो जो हैं वो मुख्यमंत्री निवास पे जाके एक शांतिपूर्वक धरना देना चाहेंगे और वहाँ पे बैठ के उनका अपनी जो मांगे हैं मुख्यमंत्री जी को डायरेक्टली बताना चाहिए।